देश भर की निगाहें इन दिनों हाथरस पर टिकी हैं। वजह है एक बाबा के सत्संग भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत। हर तरफ मौत का चित्कार मचा है। यूपी सरकार गुनहगार की तलाश में जुटी है। खुद सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सियासी रंग भी जोर पकड़ने लगा है, तो तय मानिए कि हाथरस को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई होने वाला है, क्योंकि खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस जाने वाले हैं। राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, ऐसी जानकारी खुद राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने की खबरों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर हाथरस को लेकर सरकार और प्रशासन से सवाल किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़ मौके पर, प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? प्रियंका गांधी अपने इसी पोस्ट में आगे लिखती हैं, कभी पुल गिरने से, कभी ट्रेन एक्सीडेंट से, कभी भगदड़ से सैकड़ों मौतें होती हैं। लीपापोती करने के बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, मगर जवाबदेही तय होती नहीं और ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। राहुल और प्रियंका के साथ अखिलेश यादव भी हाथरस को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने घटना की जांच को लेकर सवाल उठा दिया है कि सरकार बताना नहीं छुपाना चाहती है। देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस, जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए जब घटना हो गई? आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहां पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस बीच हाथरस की घटना, ऐसे में लगता नहीं है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला है, और विपक्ष के तेवर को देखते हुए तो कतई ऐसा नहीं लगता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।